हुआ चालू। आज सुबह सुबह क्या हुआ, अभी हम लोग सुबह सो के उठे, उसके बाद जस्ट बाथरूम गए और बाथरूम में क्या हुआ, पानी नहीं मिला हम लोगों को, तो हम लोग ऐसे ही निकल गए, देख रहे हो मेकअप वेकअप पूरा। अभी चाय पीने रुके हैं, जा रहे हैं कहीं और दिखाएंगे जाते जाते। ये तिलवारा ब्रिज है, देखो ये सामने ये नर्मदा जी है और ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ पे सुसाइड उसाइड होते रहते। मेरे को एक बार इसके बारे में बताया था कि हाँ ये सुसाइड उसाइड होता है, हम लोगों का नाइट में प्लान था कि हॉन्टेड ब्लॉग करेंगे इसका, एक दिन हॉन्टेड ब्लॉग करेंगे यहाँ का, मालूम रात को आते हैं यहाँ एक आध दिन। और देखो सामने का व्यू देखो एक बार, क्या व्यू है यार, नज़ारा, लुक एट दिस, वेरी ब्यूटीफुल यार। चलते भाई चले, चलो चलते हैं। अभी जो जगह हम लोग खड़े हैं भाई, ये देखो ये है रानी दुर्गा समाधि स्थल, अभी पूरा खाली है और बहुत अच्छी बात है, रानी दुर्गावती संग्रहालय। इस जगह में लगभग 3000 लोगों की उस समय डेथ हुई थी, मतलब यहाँ पे जब युद्ध हो रहा था तो रानी दुर्गावती के जो सेना थे 3000 लोगों को यहाँ पे मार चुके थे। और ये रानी दुर्गावती का स्तंभ है सामने, समाधि, ये है समाधि, यहाँ पे देखोगे तो उनका पत्थर में वो बना हुआ है, उनकी जो बॉडी है यही दफनाई गई है। और ये इनका मदन महल वाला एक वीडियो बनाया था मैं, दूर से 15-20 किलोमीटर पड़ता है ये जगह और काफ़ी शांत से जगह है, बहुत सुकून वाली फीलिंग आती है। और ये रानी दुर्गावती जी उसका एक ये बना हुआ स्टैचू बना हुआ है, दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे शहीद हुए थे उन लोगों का, यहाँ पे एक मठ सा बना के रखा है। तो ये है भाई नरई नाला उस जमाने का, जो कि पूरा खाली है और ये पुराने पत्थर हैं पूरे, है ना, उसी जमाने के। सोच दो यहाँ पे 3-4 हज़ार लोग, मतलब यहाँ पे जिक्र किया गया था कि लगभग 10 हज़ार लोगों की लड़ाई हुई होगी मान के चले यहाँ पे, है ना, कितना खुनबा होगा भाई इस जगह में, बहुत खतरनाक यार। और ये उसके पुत्र है जो कि 16-17 साल का ही था, इनका भी यहाँ डेथ हो गया था, मतलब लड़ाई में ये भी शहीद हो गए थे, तो उनका भी एक स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है, ये उसका भी बलिदान स्तंभ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मौसम भी सही है, मौसम भी सही है आज, लोगों का साथ दे रहे हैं। और भीड़ वीड़ भी नहीं है, कोई है नहीं यहाँ, क्योंकि कल लॉकडाउन था जबलपुर में और आज लॉकडाउन नहीं है, इस वजह से शायद भीड़ भीड़ नहीं है। और कहीं जाने का प्लान ना है, टाइम तो है अपने पास ना, चले जाते हैं कहीं बर्गी वर्गी डैम चलते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये सामने अगर देखोगे तो पूरा ऐसे बहुत बड़े जगह में है, ये बहुत लंबा सा एरिया है ऐसे यार। तो अभी यहाँ पे जो दुर्गावती की जो फैमिली है वो तो होंगे ना शायद, हो सकता है उनके वंशज हो, हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते अभी, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर बात किया जाए तो 1500 मतलब 200 साल 300 साल दो तीन पीढ़ी की ही बात है, 400 साल, हाँ मतलब 3-4 पीढ़ी मान के चल, दादा पर दादा, तो उतना तक तो रह जाता है यार, है ना, 1500 है ना, वही 500, हाँ 1500, हाँ 500, 500 साल हो गए, हाँ तो 4-5 पीढ़ी का भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और विलुप्त भी हो सकता है, नहीं इसके वंशज नहीं होंगे, क्यों पता है, इसका बेटा जो है ये वो भी यहीं पे बलिदान हो गया था,
उसकी जो माता जी है ये भी बलिदान हो गई थी, हो सकता है रिलेशन में कुछ हाँ। चाचा वाचा ऐसा कुछ चाचा वाचा में हो सकता है कहीं हो सकता है कुछ कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। अभी जो पूरा प्रॉपर्टी इनकी पूरी गवर्नमेंट की होगी होगी ना हाँ। पूरी गवर्नमेंट की होगी नहीं तो वो तो मतलब वैसे खोल दिया है अज टूरिस्ट के लिए हाँ। एक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी है एक जहाँ पे रायगढ़ क्या बोलते हैं राजा चक्रधर करके, तो उनके जो वंशज हैं वो आज भी जीवित है मतलब है वहीं और वो लोग अपने मतलब दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है वो लोग भी पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनकी प्रॉपर्टी को लोग देख रेख करते हैं। अगर इनके वंशज होंगे तो शायद कुछ कुछ जगह में रहते होंगे, इनकी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा होगी है ना। नहीं नहीं ये लोग यूँ धार गए थे तो इनकी जो प्रॉपर्टी है ना उनकी हो गई होगी मुगलों की हो गई होगी। तो यहाँ पे जो लड़ाई हुआ था उसको अकबर ने कराया था अपने किसी रिलेटिव से, तो उनका नाम था सूबेदार अब्दुल आसफ खां का नाम था। तो अभी आ चुके हैं भाई बरगी डैम, बहुत ही बड़ा डैम है लेकिन हम लोगों की किस्मत ये है कि आज शायद ही कोई बोट वोट चल रहा होगा। ये देखो भाई पूरा पानी ही पानी, जहाँ देखोगे पानी ही पानी बरगी डैम। तो ये जो डैम है लगभग 500-600 एकड़ में होगा भाई, अभी तो आगे तक दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने लगभग अनुमान लगा रहा हूँ 500-600 एकड़ में होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही बड़ा यार इधर भी दिखाई नहीं दे रहा है, जाते जा रहे बीच में टापू है फिर उसके बाद पहाड़ है फिर है ऐसे बहुत ही लंबा यार मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, अगर शाम के टाइम में आते हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, मतलब जो शाम का जो समय रहता है ना पानी के बगल में मतलब ठंडी ठंडी सी हवा आएगी बहुत अच्छा लगेगा, और अभी जो है बहुत ही मतलब उमस टाइप से निकल रही है और बहुत ही गर्मी लग रही है यार। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे और इधर वाले रोड से जाएंगे बाइक से है ना, ये नीचे एक रोड है यहाँ से तो ये वाले रोड से करके ऐसे जाएंगे क्योंकि यहाँ से जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी गर्मी लगेगी, फिर वापस आएंगे वहां से। मीठी वाली है सब पूरी हाँ, ये वाला दे दो इसको रख दो हाँ, ये वाला काफी सही लगता है, ये लग गया इसमें तड़का और ये बन गया स्पेशल। वाह अब मजे आ जाएंगे भाई। पानी पाउच है, पाउच दे आगे आगे पीते हैं, ले चलते हैं। तो अभी आ चुके हैं डैम के गेट वाले एरिया में और अभी ये यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल बेर है, ये इसको पकाते हैं उसके बाद में आ गया हूँ, ये बहुत ही अच्छा लगता है यार, देखो बहुत ही टेस्टी है ये। अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑयल फ्री है, मसाला फ्री है, बहुत सारा फ्री है ना, ये सब कुछ फ्री है, ये पूरा नेचुरल है, मतलब इसको पानी में खाली बॉयल किए हैं उसके बाद ऊपर से नमक डालते हैं और हल्का सा रेड मिर्ची, स्वाद का भी बहुत बढ़िया है ना। तो भाई मेरा एक क्या था सीन, अगले साल की जो 2019 में जो गर्मी चली थी ना कोरोना से पहले, वहां मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था, उसकी बहन की शादी थी, वो लोग उड़िया थे अच्छा। समलपुरी उड़िया, तो वो लोग क्या उसका गांव कुछ पुसौर उसर कुछ तरफ पड़ता है, तो उनके यहाँ जो मैंने सब्जी खाई थी ना मतलब शादी में एक बना हुआ था मछली, मछली का एकदम पूरा पेस्ट टाइप का बन गया था, मतलब एकदम चटनी टाइप का पूरा बड़ी फिश का और बोनलेस हाँ बोनलेस, और आम की सब्जी बनी थी मीठी वाली, आम की सब्जी हाँ, उसको हमारे यहाँ पे गोड़ साग बोलते हैं, गोड़ साग बोलते हैं, मीठी गुड़ डलता है उसमें, मैंने वो सब चीजें पहली बार खाई थी मालूम। और एक और चीज बनी हुई थी वहाँ की दाल, दाल बहुत ही अल्टीमेट था भाई, मतलब ऐसा दाल मैं कभी खाया नहीं, उसमें क्या था पता है, ओनली सॉल्ट उसमें खाली नमक और मस्त गाढ़ा मजा आ गया था यार, मछली की चटनी और वहाँ बोलते हैं ऐसे मछली वो वहाँ पे कुछ बोलते हैं यार, तो वहाँ पे था झूरी की चटनी, ये था झूरी की चटनी, मतलब समलपुरी भाषा में झूरी मतलब बोलते हैं मछली को, झूरी बोलते हैं, और झूरी की चटनी और दाल, अल्टीमेट भाई खतरनाक एक्सपीरियंस। और वहाँ पे एक और चीज थी सूप, सूप के तौर में एक ये था क्या बोलते हैं उसको मतलब हाँ घर में जो घरेलू जो वेजिटेबल्स रहते हैं उसका मिक्सचर करते हैं, मतलब लाइक जो कुमड़ा हो गया, लौकी हो गया, और बहुत सारे जो रहते हैं ना यार भिंडी विंडी बहुत सारे जो हाँ जितने घर में उगते हैं वो सब वेजिटेबल्स को डालते हैं, फिर जो चावल पकाने के बाद जो बचता है ना माड़ उसको डालते हैं, मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद बनता है भाई नेचुरल पूरा सूप, बहुत ही तगड़ी भाई, मतलब ये सब चीज़ें ना समलपुर में मैं एक बार देखा था, मतलब हट के कुछ,
और ये आज एक बार पहली बार देख रहा हूँ, बहुत ही अल्टीमेट चीज है यार। उसको बोलते हैं, नाम है उसका लेथा, अगर आप समलपुर वगैरह जाते हो तो मिल जाता है वहाँ पे, ट्राई जरूर करना, बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये पानी वाला गेट लगा है यहाँ पे, अभी तो पानी बंद है। इधर का व्यू देखो यार, हम लोगों को जाना था इधर, मतलब बोटिंग वोटिंग करना था, लेकिन अभी शायद ज्यादा पब्लिक ना होने की वजह से बोटिंग वोटिंग चल नहीं रही है, तो अभी हम लोग बोटिंग नहीं कर पाएंगे, सॉरी। नेक्स्ट टाइम आएंगे और अच्छे से दिखाएंगे, अंदर तक जाएंगे, अभी तो फिलहाल इसे से एंजॉय करो। व्यू जो है बहुत ही सुंदर है, अल्टीमेट। सो गाइस, ये था जबलपुर के कुछ हसीन लम्हे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह। ये वीडियो फिलहाल यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलेंगे भी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, नहीं करोगे तो भी चलेगा, वीडियो पूरा देखें, इतना काफ़ी है। बाय बाय। ये क्या है? ये वीडियो बनाने गया था। अच्छा, इसमें वीडियो बनता है? नहीं, वीडियो बनता है, यूट्यूब में डालते हैं इसको। यूट्यूब देखते हो आप? नहीं देखते? नहीं देखते बेटा, नहीं है हमारे यहाँ। नहीं है? मोबाइल में चलता है, हम उसका नाम ही भर जाने हैं आज यहाँ से, तुम बता रहे जैसे हम नहीं जानते अभी हमारे यहाँ। यूट्यूब में इंटरनेट में डालता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भैया, माइकल माइकल।